हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? एक मिनट यार, आज बहुत कम दोस्त आए हैं, क्या बात है आज? देखते हैं कौन आया है। वीवी शिवा, एक ही दोस्त आए हैं आज अपने ऑनलाइन, क्या बात है यार? नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम है? हम तो सभी के पास भेज रहे हैं, आप लोग शायद चेक नहीं करते ऐप के अंदर। चलिए मैं व्हाट्सएप पे दोबारा फिर कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, दोबारा मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूँ सभी दोस्तों के पास। करना चाहिए यार अटेंड। हाँ जी, जेन क्लब आ गए हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। सुपीरिया शिव प्रताप। जी चलिए, कर दिए मैंने मैसेज, कर दिया। अब किसी को आना होगा तो आ जाएंगे क्लास के अंदर, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। ऐप में नहीं आया, व्हाट्सएप पर आया था लिंक जी। जैन क्लब, मैं क्या करूं आप लोगों का यार, क्या करूं, क्या करूं मैं आपका? हमने ऐप रात से भेज रहे हैं, हम रात से भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? चलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप खुद भी तो मैनुअली भी तो चेक कर सकते हैं ना वहां पे। कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को इसके अंदर। चलिए मैं एक यार, उसमें तो वो चला गया, आपको बताया तो है। आप ऐप के अंदर जाके स्टोर पे क्लिक करें, स्टोर पे क्लिक करने के बाद में आपका जो कोर्स है उस पे क्लिक करें, और उस कोर्स में मैराथन कोर्स है उस पे क्लिक करें। कंटेंट पे वहाँ पे आपको डेट वाइज फोल्डर दिया हुआ मिलता है। और दूसरा हम क्या करते हैं कि ऐप के अंदर जो चैट का ऑप्शन होता है, चैट के ऑप्शन पे आप क्लिक किया करें, वहाँ से भी आप हमारे लाइव क्लास ले सकते हैं। तो जैन क्लब जी, मुझे आपसे आंसर चाहिए। जैन क्लब जी, मुझे आपसे आंसर बताइए कि आपने ऐप के अंदर चेक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया ऐप के अंदर? मैनुअली चेक किया था तब तो आप प्रकट हुए सर जी। पता नहीं क्या है, पता नहीं यार आप लोगों को क्या लफड़ा है, समझ में क्यों नहीं आता। मैं इतने सैकड़ों बार बता चुका हूँ कैसे ऐप के अंदर चेक करना, और इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं यार, सीधा सा है। ऐप ओपन कीजिए, ऐप ओपन करने के बाद में चैट का जो ऑप्शन है, चैट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कब कौन सी क्लास होने वाली है, क्या है, सब कुछ हम वहाँ पे बता देते हैं जी। मनोज कुमार, अंशु शर्मा, जैन क्लब जी आ गए हैं दोस्त, अनिल कुमार मंडल जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आज की चाय कॉफ़ी यहीं पी लीजिए। कई दोस्तों को नहीं मिली होगी ना चाय, हाँ जैसे मेरे को नहीं मिली है चाय, तो मैं ऐसे बैठा हूँ, तो यहीं पे पी लेते हैं ठीक है। जिसको चाय पीनी है चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, और जिसको ग्रीन कॉफी ग्रीन टी पीनी है ग्रीन टी पी लीजिए, कॉफी पीनी है कॉफी पी लीजिए, है ना? तो चलिए, मुझे लगता है अब सभी दोस्त लगभग आ गए हैं जिनको आना था। शालिनी, कविता, कविता जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, और एक मिनट। हाँ जी, ये रहा, देखिए। ये है दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। 7:59 AM पर चेक किया था चैट में भी और वैसे भी, फिर व्हाट्सएप पे देखा तो लिंक मिला रोहतास जी। मैं आपको क्या बताऊं, चैट के अंदर हमने डाला था, ऐप के अंदर। आप ना मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, वहां पे दिखाऊंगा मैं आपको, स्क्रीनशॉट भेजूंगा जी। चलिए कोई बात नहीं, काम हो गया ना, अच्छा है। एनीवे
जी अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजने में हमें प्रॉब्लम होती है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सभी दोस्तों ने हमारा नंबर व्हाट्सएप में सेव नहीं किया, तो इसलिए बहुत 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 कम दोस्तों के पास नोटिफिकेशन जा पाता है। तो प्लीज़ यार ऐप के अंदर चेक किया करो आप, मैं बहुत बार कह चुका हूँ ऐप के अंदर चेक किया करो आप। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2017 का है ये, क्वेश्चन नंबर 34। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि पहले आप इसको ये पढ़ लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा था वो डिलीट हो गया, डिलीट होने के बाद में हमारे पास कुछ ही डेटा बचा और पैनिक बटन को दबाया गया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित तथ्य सामने आए, आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम हैं, 40% छात्र महिलाएं हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास कुछ डेटा है इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। पहले हमें क्वेश्चन समझना जरूरी है दोस्तों, क्वेश्चन समझते आराम से करते इस क्वेश्चन को, भाग दौड़ नहीं करनी हमें। पुरुष छात्रों में एक तिहाई औसत स्तर के छात्र हैं। अब देखिए ये तीन तीन यहाँ पे हमें डेटा दिए हुए, इनसे हमें पूरा क्वेश्चन करना है, इससे कैसे हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 40% छात्र महिलाएं हैं। अब देखिए कुल महिलाएं कितनी दी है, 32 दी हुई है, ठीक है। तो 40% बराबर में किसके है, 32 के है। यहाँ से हम क्या है 1% निकाल सकते हैं, 1% से फिर क्या है हम 100% निकाल सकते हैं। और ये देखिए 40% अगर महिलाएं हैं तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 60% होगी, सीधी सी बात है। तो 40% से हम 1% निकालेंगे, 1% से फिर हम 60% निकाल लेंगे। इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ये हिंट दे दिया तो अब इसमें बताइए दोस्तों कितनी महिलाएं छात्राएं उत्कृष्ट है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कीजिए कोशिश कीजिए, अगर आता है आपको तो बताइए किसको आता है ये क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो फिर हम करेंगे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। और वैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है, अच्छे से करवाया हुआ है। इस तरह के मिसिंग डेटा के और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सर 7 बजे की क्लास क्या यही है? हाँ जी यही है जी, 7 बजे वाली क्लास। इसका आंसर दीजिए दोस्तों, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये कह दीजिए कि नहीं आ रहा सर, तो हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। जी मनोज कुमार जी, शिव कुमार, अनिल कुमार, बताइए जी, नवीन कुमार जी, बताइए आंसर क्या आएगा इसका। क्या करें यार आप लोगों का, अगर सुबह 7 बजे बुला लेते हैं तो कोई नहीं आता, और इवनिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, और 8 बजे की अगर क्लास करें तो फिर आप वैसे रोने लग जाते हैं। कई लड़कियां कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर सुबह सुबह हमें काम पे जाना होता है, स्कूल जाना होता है, पता नहीं क्या क्या काम करने होते हैं, तो वो उनकी वजह से हम 7 बजे की क्लास करते, फिर वही 7 बजे आके क्लास लेते नहीं हैं। समझाया जाए, ओके ओके ओके, टाइम ठीक है, कोई बात नहीं, राइट टाइम रहता जी, क्या राइट टाइम करे जी, अब आ तो नहीं रहे ना स्टूडेंट, आ तो नहीं रहे लाइव में, पहले तो 7 बजे का टाइम करवा दिया लेकिन अब आ नहीं रहे। अब देखो मैं बताऊं आपको कितने, 12 दोस्त ऑनलाइन है, देख लीजिए आप कितनी शर्मनाक बात है। और जिन दोस्तों ने करवाया ना 7 बजे का टाइम करवाया है वही नहीं आए होंगे, गारंटी से कह रहा हूँ मैं आज देखूंगा डेटा चेक करूंगा किस किस ने 7 बजे का टाइम करवाया और कौन नहीं आया, घूंसा लगाऊंगा खींच खींच के उनको मैं। सही बात है, जिसको पढ़ना है वो तो क्लास अटेंड करेंगे ही जी, कुछ बनाना है तो खुद के लिए करना होगा जी। चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बताता हूँ आप सभी को किस तरह से आएगा ये क्वेश्चन, और ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते इसके ऊपर। देखिए दोस्तों सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें जो मिसिंग डेटा जो होता है उसको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जब हम फिल कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन
बिल्कुल आसानी से आ जाता है। देखिए इसको हम किस तरह से फील करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों, इन्होंने पहले ही कहा था, जैसे मैंने बताया था, ये देखिए स्टेटमेंट के अंदर, कि 40 40% छात्र महिलाएं थी। 40% क्या थी, जो लेडीज थी वो महिलाएं थी, ठीक है। 40% स्टूडेंट क्या थे, वो महिलाएं थी। अब देखिए यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन, 40% बराबर में किसके, 32 के हैं, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से हम 1% निकालेंगे, 1% 32/40 आ जाएगा। अब 40% महिलाएं हैं तो 60% क्या होंगे, पुरुष हो जाएंगे। तो 32/40 गुना में 60 करेंगे तो 48 छात्र क्या आ जाएंगे, पुरुष आ जाएंगे। यहां से क्या आ गया दोस्तों, 48 क्या आ गया हमारे पास, पुरुष आ गया। अब देखिए इसके अंदर क्या है, कि ये हो गया 48, ऊपर लिख लिया ना हमने, ये देखिए पुरुष आ गए हमारे पास 48, महिलाएं आ गई हमारे पास 32 आ गई। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 32 जमा में 48, 80 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब 80 हो गए यहाँ पे, और उत्तम हमें 30 पहले ही दिए हुए हैं, 30 हमें पहले ही दिए हुए हैं। अब देखिए और इसमें समझने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक तिहाई पुरुष छात्र औसत स्तर के थे, एक तिहाई जो पुरुष थे वो औसत स्तर के छात्र थे। अब देखिए एक तिहाई औसत स्तर के थे। अब देखिए पुरुष की बात चल रही है हमारी, पुरुष 48 थे, टोटल कितने थे हमारे पास, 48 थे। एक तिहाई, 48 का एक तिहाई कितना होगा, 16 होगा। 16 क्या होंगे, वो हमारे औसत स्तर के हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा मार्किंग करके मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए टोटल पुरुष कितने, 48 है। और ये देखिए यहाँ पे, अरे यार एक मिनट, स्क्रीन छोटी पड़ जाती है यार, क्या करें। हाँ अब देखिए टोटल पुरुष कितने, 48 आ गए हमारे पास। अब देखिए एक तिहाई औसत स्तर के थे, एक तिहाई कितने थे, क्या थे, औसत स्तर के थे। 48 को जब हम 1/3 से करेंगे तो कितना आ जाए, 16 आ जाए। 16 क्या है दोस्तों, ये हमारे पास आगे औसत सत्र के आगे, ठीक है, ये आगे हमारे पास। अब देखिए उत्कृष्ट कितने हैं, 10 इन्होंने दिए हुए हैं, तो उत्तम कितने हो जाएंगे, 22 यहाँ पे हमारे उत्तम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमें डेटा फिलअप करना है, ये बिल्कुल आसानी से ये डेटा फिलअप हम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास क्या क्या आ गया है, 16 48 80, 16 48 80 ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर, जैसे इसके अंदर करके चलते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हाँ जी, ये देखिए टोटल कितने, 80 है हम, सॉरी टोटल क्या है, 80 है हमारे पास, और ये कितना था हमारे पास, 48 था। पुरुष कितने थे, 48 थे, और ये औसत कितना था, 16 था, और ये कितना था हमारे पास, देखना दोस्तों बताना कितना है। ये देखिए 16 जमा में 10 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 में से 48, 48 में से 26 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमें पूरा का पूरा डेटा फिलअप करना है, बिल्कुल आसानी से आप डेटा फिलअप कर सकते हैं। और जैसे ये डेटा फिलअप करेंगे आप, सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, या फिर आपको ये जो नोट्स है आपको ऐप के अंदर मिल जाए, वहाँ पे हम आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरह से जब ये पूरा का पूरा डेटा फिलअप करेंगे ना दोस्तों, तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन हो आगे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं जी। सबसे पहले अब ये बताइए कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चन जी, बताइए दोस्तों, कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, किस तरह से करना है, आ रहा है क्या क्वेश्चन समझ में जी, बताइए। आज तो सारे के सारे नींद में लग रहे हैं, मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा जी। गीता पांडे, यस जी, सही नहीं आया। कविता कवि कविता कह रहे सही नहीं आया, हाँ जी। और बताइए दोस्तों किसको नहीं आया,
फिर हम मैं बताता हूँ सर, मेरा नेटवर्क इशू है, बाद में क्लास देख लूँगा। ओके यस सर, आ गया। श्रुति सिंह, और बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए यार, जल्दी बताइए, थोड़ा झंझटिया है सर जी। झंझट तो है लेकिन करना तो पड़ेगा ना हमें, थोड़ा आया है। हाँ जी, चलिए थोड़ा मैं अच्छे से और बता देता हूँ आपको, ताकि सही से समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आप सभी दोस्तों को, सही से फिर थोड़ा थोड़ा ही आया जी। चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए इसको, दोबारा से बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए इसके अंदर क्या कहा है यार, एक तो ना स्क्रीन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, चलिए स्क्रीन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, अरे यार। अब सही रहेगा। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों, दोबारा से देख लीजिए सभी दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि 40% छात्र क्या है, वो महिलाएं हैं। 40% क्या है, महिलाएं दी है। ये देखिए 32 है, 32 किसके इक्वल है दोस्तों, 40% के, ना ये क्या है, 40% के इक्वल है। ठीक है, 40% बराबर में 32 के है। तो यहाँ से ये थोड़ा दोबारा करते हैं इसको, ये देखिए इसको हम ऐसे करते हैं कि 40% किसके बराबर में है दोस्तों, 40% है 32 के बराबर में है। तो यहाँ से 1% कितना होगा, 32/40 हो जाएगा। ठीक है, 1% ये हो जाएगा। तो ये देखिए कितने पे कट हो, ये 32/40 ही कर लीजिए आप। और 60% कितना होगा दोस्तों, 60% पुरुष रह जाएंगे ना, 100 में से 40 कट करेंगे तो 60% रह जाएंगे। तो ये देखिए 60% करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 60 गुना में 32/40 करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये करेंगे तो आप देखिए 0 से 0 कट गया हमारा, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, और 3 से ये कट जाएगा, 16 आ जाएगा हमारे पास, 16। अब देखिए 16 3 48 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 48 हमारे पास आ जाएगी, पुरुषों की संख्या 48 आ जाएगी। अब बताइए ये समझ में आया, 48 कहाँ से आया ये बताइए, पहले ये बताइए 48 कहाँ से आया, ये समझ में आया या नहीं आया। एक एक स्टेप लेके चलेंगे हम, तभी आपको समझ में आएगा, एक साथ सारा समझा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। एक तो आंसर जल्दी दिया करें दोस्तों आप। यस, आ गया ना ये समझ में, 48 48 कहाँ से आया। यस जी, आ गया जी, वेरी गुड वेरी गुड, आ गया आपको समझ में। ये देखिए यहाँ से हमने 48 निकाल लिया, अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, टोटल जब हम इनका करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 80 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 80 आ गई, कुल संख्या कितनी आ गई, 80 आ गई हमारे पास। अब देखिए दोस्तों अब आगे क्या है, अब इसके अंदर ये देखिए इन्होंने कहा है कि एक एक तिहाई औसत स्तर के है। ये देखिए नीचे वाले लाइन पढ़ी है आप, पुरुष छात्रों में एक तिहाई औसत स्तर के है, पुरुष छात्रों में एक तिहाई। अब देखिए पुरुष कितने हैं, टोटल कितने हैं, 48 है, 48 का जब हम एक तिहाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 नहीं आ जाएगा, 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक तिहाई जब 48 को जब हम 3 से डिवाइड करते तो 16 2 32, 16 3 48, यहाँ पे औसत सत्र के कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। अब ये बताइए 16 भी आ गया ना, ये भी आ गया पुरुष, 16 कहाँ से हुआ, ये भी आ गया ना समझ में आपको, औसत सत्र के पुरुष 16 कैसे आए, है ना। ये भी बताइए ये आ गया क्या समझ में, एक एक स्टेप बताइए। श्रुति सिंह जी, आ गया आ गया जी, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास औसत सत्र के कितने हैं, 16 है, उत्कृष्ट कितने हैं, 10 है। अब इन दोनों को ऐड कर, अब देखिए उत्तम हमें निकालने हैं, ठीक है, उत्तम निकालने, तो उत्तम कितने आएंगे, 16 प्लस में 10 कितने होंगे, 26 हो गए। 48 में से 26 माइनस कीजिए तो कितने आएंगे, 22 हमारे पास आ जाएंगे, 22 ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये 22 आ गए हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पे टोटल, ये देखिए उत्तम टोटल कितने हैं, उत्तम टोटल 30 यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे पुरुष कितने हैं, 22 है,
और यहाँ पे महिलाएं कितनी आ जाएंगी दोस्तों, 8 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये बताइए कि ये चीज समझ में आएगी ना, 22 और 8 कैसे आए हैं, ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि ये देखिए ये टोटल 30 दिया हुआ था, ठीक है 30, और उत्तम कितने अपने पास पुरुष 22 दिए हुए हैं, तो 30 में से जब 22 माइनस करेंगे तो 8 हमारे पास आ जाएगा। ये बताइए ये चीज समझ में आ गई ना, 8 कैसे आई। हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ वीना, यही तो मैं बता रहा हूँ। टोटल ये देख लीजिए नीचे कुल कितना है, 30 दिया हुआ है इन्होंने, और हमने पुरुषों की संख्या और उत्तम पुरुष कितने निकाले हैं, 22 निकाले हैं। 30 में से जब 22 माइनस करेंगे तो 8 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब तो ब्लैंक कॉलम भरने हैं सर। हाँ जी महिला 8, जी बिल्कुल सर आ गया समझ में, जी बिल्कुल सही। देखिए अब ये आ गया ना समझ में, अब अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये है आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या उत्तम थे। अब देखिए यहाँ पे हम ये ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, अब ए पे आ जाइए, आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या फिर उत्तम थे। अब देखिए उत्कृष्ट या फिर उत्तम, ये देखिए या आधे छात्र जो है या तो उत्कृष्ट थे या उत्तम थे। अब 80 टोटल हमारे पास कितने हैं दोस्तों, टोटल हमारे पास 80 है। अब इसका आंसर क्या आएगा, और सर 22 में 8 प्लस करें तो 30 ही होगा, ऐसे भी कर सकते हैं ना। हाँ जी ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना है, 80 है, कुल यहाँ पे 80 है यहाँ पे। और इन्होंने कहा है कि जो आधे छात्र हैं वो या तो उत्कृष्ट थे या फिर उत्तम थे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, टोटल कितने हैं हमारे पास, 80 है और उत्तम इन्होंने दिए हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, इसका हिंट देखते हैं दोस्तों, इसका हिंट देखते हैं। 40 10, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी आ गया समझ में, हाँ। अब देखिए दोस्तों अब इसने कहा है कि ये देखिए ऑप्शन नंबर ए लेके चलिए दोस्तों, ये है ना, ये आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या फिर उत्तम थे। अब देखिए टोटल कितने हमारे पास, 80 है, 80 का हाफ कितना हो गया, 40 हो गया ना। अब देखिए 80 है, 80 का हाफ कितना हो गया हमारे पास, 40 है। अब ये कह रहा कि 40 छात्र या तो उत्तम थे या फिर उत्कृष्ट थे, ये बात कह रहा है ये, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर 10 ऐड कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम 10 ऐड 10 कर दिए हमने, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 30 और 10 कितने हो गए हमारे पास, ये टोटल हो गए हमारे पास 40 हो गए। और यही बात इन्होंने कही है कि आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या उत्तम थे, है ना। 80 माइनस 40 और 40 माइनस 30 10। हाँ जी तो आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या उत्तम थे, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने, 80, 80 का माइनस करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। 40 में से ये देखिए 30 तो हमारे पास उत्तम है, तो उत्कृष्ट कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, है ना। ये आई बात समझ में, एक बार फिर से देख लेते दोस्तों, हमारे गलत ना हो जाए, क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। यही है ये दोस्तों, इसमें भी देखिए यही, इसमें भी यही बात दी हुई है जी। ये बताइए दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई है क्या, यहाँ पे ये चीज समझ में आई, 10 यहाँ पे कैसे आया जी, बताइए 10 यहाँ पे कैसे आया ये बताइए दोस्तों। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आगे समझ में नहीं आएगा जी। सर श्रुति, हाँ सर आ गया जी, बताइए और बताइए दोस्तों, आ गया ना समझ में 10 कैसे आया जी। वेरी गुड वेरी गुड, जैन क्लब श्रुति जी बता दिया आपने, आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया। अब देखिए ये औसत निकाल सकते हैं ना, ये औसत निकाल सकते हैं ना। अब देखिए टोटल कितने अपने पास, 80 है, और ये कितने हो गए हमारे पास, 30, और 10 कितने हो गए, 40 हो गए। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 40 रह जाएंगे, है ना। ये हमारे पास क्या रह जाएंगे,
40 रह जाएंगे। अब देखिए, अब सारी की सारी चीजें हम निकाल सकते हैं यहाँ से। दिमाग, घोड़े दौड़ने दौड़ाने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए यूजीसी नेट में ये नहीं है कि हमेशा आसान क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा नहीं है। मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो दोनों हमें करने जरूरी है। और एक चीज है दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करें तो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुल कितने हैं? कुल हमारे पास है 40 है, और पुरुष औसत कितने हैं? 16 है, तो महिलाएं निकाल सकते हैं ना। 40 में से जब 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 24 हमारे पास आ जाएगा। 24 ये हमारे पास आ गया है ना। 10 कैसे आया? अरे भाई साहब, कविता जी, यही तो मैं बता रहा था आपको। इन्होंने देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, आधे छात्र या तो उत्कृष्ट है या फिर उत्तम है, ये चीज इन्होंने दी हुई है। आधे का मतलब क्या है? 80 में से आधा कीजिए, 40 आ गए। 40 या तो उत्तम है या उत्कृष्ट है। अब उत्तम इन्होंने 30 दिया हुआ है, तो उत्कृष्ट कितने हो जाएंगे? 40 में से 30 गए, 10 रह जाएंगे ना हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पे 10 आएगा हमारे पास जी। 24 + 8 बराबर में 2, 2 24 + 8 + 2 हाँ जी 32। हाँ जी बिल्कुल सही। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये आ गया ना, पूरा का पूरा जो टेबल है वो हमारा फिल हो गया है। सारी की सारी टेबल जो हमारी है फिल हो गई है, देख लीजिए आप। एक एक स्टेप करके चले हम, सारी की सारी जो टेबल है वो हमारी फिलअप हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आपको टेबल फिलअप करनी है। अब देखिए, अब अगर ये क्वेश्चन पूछे कितनी महिलाएं छात्र उत्कृष्ट है, अब इसका हमें आंसर बताना है कितनी। अरे 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 अरे, ये गलत हो गया भाई, ये 8 नहीं आएगा यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये क्या कर दिया हमने? रुकिए 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 रुकिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अरे यार, सारा ही डिलीट हो गया यार, क्या करे यार, कुछ और डिलीट कर रहा था, हो गया कुछ और डिलीट। ये देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये ऐसे आएगा भाई, ये आएगा 24 + 8 + 2। इनको घूसा लगाओ भाई, 34 नहीं हो गए? जैन क्लब, आप मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं आप। 24 + 8 + 2 कितना होता है? कितना होता है? 34 नहीं होता? ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी पूरी की पूरी टेबल फिलअप हो जाएगी। ऐसे हमारी टेबल जो है वो फिलअप हो जाएगी, एक एक को जब हम करेंगे तो पूरी टेबल हमारी फिलअप हो जाएगी। अब ये कह रहा है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है, कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट है। उपयुक्त क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि 0 महिलाएं छात्राएं उत्कृष्ट है। ठीक है, 34 हो जाएगा जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 34 हो जाएगा। और जैन क्लब मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे थे जी। ठीक है, तो देखिए ये हमने पूरी की पूरी टेबल बनानी है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ से दोस्तों हमें पता चल रहा है कि महिलाएं जो है उत्कृष्ट कितनी है दोस्तों? 0 है यहाँ पे, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये रहा, ये रही हमारी महिलाएं और ये रही 0, और ये क्या है दोस्तों, ये देखिए उत्कृष्ट कितनी है? 0 है। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया जी। हाँ जी हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है? अब देखिए, उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है? अब देखिए, उत्तम पुरुष हमें देखने हैं, उत्तम पुरुष कितने हैं दोस्तों? उत्तम पुरुष 22 है ना यहाँ पे, ये देखिए उत्तम पुरुष यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, ये है 22 है। लगभग कितना अनुपात है ये हमें बताना है दोस्तों, लगभग कितना अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कुल उत्तम छात्रों की संख्या कितनी है, 30 है। उत्तम छात्रों में पुरुषों की संख्या कितनी है, 22 है। अब देखिए हमें ये देखना है कि 22 जो है 30 का कितना अनुपात है, तो ये आ जाएगा 0.73, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये होगा दोस्तों इसका आंसर, 36 का आंसर हमारा बी आ जाए, 0.73 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। अब देखिए ये कह रहा है महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। अब देखिए दोबारा इस पे आ जाते हैं, महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। अब देखिए महिला ये होगी हमारे पास उत्तम, ये देखिए ये रहा हमारा उत्तम, कितना अनुपात उत्तम है। अब देखिए ये बताना है 8/32 कर लीजिए, 8 चौका 32 तो कितना हो गया 0.40, यहाँ पे हमारा 0.43 यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा। ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये 35 का आंसर बताइए दोस्तों क्या आएगा, कित महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है, ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। उत्तम देख लीजिए यहाँ पे, दोबारा देख लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे, ये डिलीट कर देते हैं ये चीजें हम यहाँ पे। जी महिला है, उत्तम कितनी है 8 है, और टोटल कितनी है 30 है दोस्तों। टोटल नीचे देखिए, नीचे गलत कर गए थे हम, टोटल उत्तम कितने हैं 30 है, महिला कितनी है 8 है, तो 8/30 कर लीजिए, 8/30 कीजिए आप यहाँ से, बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आ जाएगा 8/30। जी 8/30 करेंगे तो कितने में कट जाएगा दोस्तों, करके देख लीजिए यार हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं, 8/30 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 चौके 8, और ये पे 15, और ये कितना पे कटेगा काट के देख लेना दोस्तों, 4 दुनी 8, 4 4 3 12 4 3 12, चलिए दोस्तों काट के देख लेना आप जैसे भी जो भी कटे, मैंने आपको बता दिया इस तरह से आएगा। 35 का बी सी दे रहे, आप देख लेना ये आएगा, जो भी आएगा आप देख लेना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आंसर आएगा। जी तो दोस्तों इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें पूरा, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, ये जो हिंट दिए हुए होते हैं ना, नीचे जो हिंट दिए हुए होते हैं, इनसे हमें ये टेबल फिलअप करनी होती है। टेबल फिलअप करने के बाद हम बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी दोस्त को प्रॉब्लम है ना, तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट करना दोस्तों, अगर किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे बता देना, वहाँ आपका सॉल्यूशन कर देंगे। जी चलिए ये था हमारा मुश्किल क्वेश्चन, अब मैं आसान क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब देखिए कई दोस्तों के मन में ये आ गया होगा कि यार DI तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कई दोस्त तो ये सोच रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ DI कितना आसान हो सकता है। ये था हमारा 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ 2019 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाता हूँ कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ सर, बहुत टफ था। हाँ जी सर, अब 7 AM की क्लास होगी क्या। हाँ जी डेली 7 AM होगी। सारे दोस्त कहाँ चला गया। जी देखिए अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेके आए हैं, ये देखिए 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है, निम्नलिखित तालिका में वर्ष, ये देखिए इवनिंग वाला देखिए, 2012 से 2018 तक 7 वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा 3 विभिन्न प्रकार के AVC वाहनों की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले इस ग्राफ को समझिए, इस टेबल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे 2012 13 14 15 16 17 18, 2012 से लेके 2018 तक यहाँ पे इन्होंने ईयर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी ए कंपनी बी कंपनी सी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे कार का जो प्रोडक्शन हुआ है वो बताया हुआ है कि 2012 के अंदर ए टाइप जो कार बनी है वो ये 5,000 है, बी टाइप 20,000 है, सी टाइप कितनी है 15,000 है। ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, है
है ना, यहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ABC के वाहनों की संख्या यहाँ पे दी हुई है किसी कंपनी द्वारा। ठीक है, ये आ गया ग्राफ समझ में आ गया। सबसे पहले ये बताइए, ये आ गया ना समझ में, टेबल समझ में आ गई क्या? सबसे पहले DI के अंदर टेबल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गया ना, फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, एक तो आप जवाब नहीं देते यार, बताओ यार जल्दी। आ गया, हाँ जी, चलिए आ गया। अब देखिए, अब इसका आंसर दीजिए दोस्तों। हाँ जी, आया सर। हाँ जी, अब बताइए दोस्तों, दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित वी टाइप वाहनों की औसत संख्या क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, वी टाइप में जो भी वाहन बने हैं उनकी औसत एवरेज क्या है बी टाइप के अंदर? ये देखिए, बी टाइप हमें दिखाई दे रहा है, 20,000, 10,000, 15,000, 15,000, 20,000, 25,000, 35,000। अब इनका एवरेज हमें बताना है। जी बताइए क्या आएगा एवरेज? देखिए, एवरेज अगर हम देखें तो कितना आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जी बिल्कुल सही जी, इसका आंसर दोस्तों बगैर पेन कॉपी के आप इसका आंसर दे सकते हैं, पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप माइंड में भी कर सकते हैं इसका आंसर, माइंड में कर सकते हैं इसका आंसर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अभी मैं आपको माइंड में करके दिखाऊंगा किस तरह से इसको कर सकते हैं। और ये बहुत ही गलत बात है कि अभी तक दो ही दोस्तों ने इसका आंसर दिया, तीन ने दिया है, जैन, श्रुति, मलती। वाओ क्या बात है, गीता पांडे। अरे देख लो लड़को, क्या कर रहे हो आप, बेइज्जती हो रही है आपकी। लड़कियां देखिए, चार लड़कियों का आंसर आ गया, अब लड़के दे रहे हैं, अनिल कुमार, नवीन, रुक्सार, मलती, मनोज, जैन, विनोद, सभी अब एक ए आंसर दे रहे हैं इसका। जी चलिए और बताइए, शिव प्रताप सिंह ने भी ए आंसर दिया है। जी वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, हम इसको बिल्कुल माइंड में किस तरह से कर सकते हैं, माइंड में किस तरह से कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, आप एक काम कीजिए, इसके अंदर बी का हमें एवरेज निकालना है ना, तो ये देखिए जो जैसे 15,000, 15,000, 25,000, 35,000 है ना, ये एक बार 5,000 आप भूल जाइए। आप क्या कीजिए, ये देखिए शुरू में 2 है, 20,000 है, आप 2 मान के चलिए, 20, 2 और 1, 3। आप देखिए, समझिए अच्छे से, समझिए दोस्तों, ध्यान दीजिए थोड़ा मैं क्या कह रहा हूं। 20,000 है, 20,000 को आप 2 मान लीजिए, 10,000 है, 10,000 को 1 मान लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से 15,000 है, 15,000 को भी आप 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब इनको ऐड करके देखिए, 2 जमा में 1, 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 ये हो गए। अब देखिए, चलिए मैं ना थोड़ा यार मार्किंग करके ही करता हूँ, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई आपको, रुकिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, बिल्कुल यार। अब हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, ये 2, 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ये हो गए, और 5 और 5 इसको कर लेते हैं 12, 13 हो गए, और फिर ये क्या हो गए, 14 हो गए। अब हमारे पास 14 आ गए दोस्तों, ठीक है, और टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाए, 7 दूनी 14, 2 आ रहा है। अब देखिए, 2 किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 20,000 इसके अंदर आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, आपको किसी भी तरह का कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है UGC नेट के अंदर, इतना आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि UGC नेट के अंदर कभी आएगा। जी, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों प्रकार के वाहनों का कुल उत्पादन 60,000 था, ये हमें बताना है, 13 से लेके 16 तक। अब देखिए दोस्तों,
13 से लेके 16 तक कौन से ऐसे वाहन हैं जिनका टोटल 60,000 था। अब देखिए 13 से लेके 16, ये देखिए 13 से लेके 16, इसमें हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से टाइप के वाहन हैं, सॉरी कौन सी ईयर में सभी वाहनों की संख्या 60,000 थी, ये बताइए दोस्तों, बताइए। ये लीजिए, मैं थोड़ा इसको यार ऐसे, चलिए आप 13, 14, 15, 16 में ऐसे ही बता देना दोस्तों, बताइए। 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में, कौन से ईयर में सभी वाहनों की संख्या का जोड़ 60,000 था। जी अंशु, शालिनी, अनिल कुमार, रुक्सार, मनोज कुमार, 16 का, 2016 कह रहे हैं, देखते हैं क्या आएगा। और बताइए दोस्तों कितना, यार इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो अच्छी बात नहीं है भैया, घूसा लगना चाहिए आपको। अब देख लीजिए, अब तो आपके चेहरे खिल जाने चाहिए ना थोड़े से, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं यार, इतने आसान क्वेश्चन दे रहा है यूजीसी। वीवी शिवा 2016, नवीन कुमार 2016, और बताइए यार, अरुण लाहोट ने भी 16 दिया है, मल्टी ने 16 दिया है। जी जल्दी बताइए यार, इतना आसान क्वेश्चन है यार, इतना आसान क्वेश्चन फिर भी आप लेट कर रहे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जी 16 मिश्रा 14 में, ये देखिए मिश्रा 14 में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तोड़ो इसको, सभी मिलके तोड़ो भाई इनको। 16 में के 14 में कैसे हैं, कैसे हैं विनोद मिश्रा जी, काउंट करके देखिए 16 में आएगा इसका, 2016 में। दोस्तों देखिए 2016 में 25,000 जमा में 15,000 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40,000 हो जाएगा, 40,000 जमा में 20,000 कितना हो जाएगा, 60,000 हमारे पास हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों कितना आसान है, बिल्कुल 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 आसान है, अब आपके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए वही, है ना, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। जी चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वर्ष 2016 से 2017 तक बी टाइप के वाहनों के उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ टेबल, 2016 से 17, अब देखिए यहाँ आ गया हमारा ये 2016 से 17 और बी टाइप, ये देखिए 2016 17 हमारा ये हो गया, ठीक है, ये देखिए ये रहा हमारा बी टाइप का। अब देखिए 20,000 से 25,000 की हमारी बिक्री हुई है, ठीक है, 20,000 से हमारी क्या हुआ, 25,000 बिक्री हुई है, तो अब हमें ये बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। देखिए 5% सॉरी 5,000 की बढ़ोतरी हुई है हमारी, ठीक है, 5,000 हमें बताना है कि 20,000 का कितना है। जी बताइए, ये बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2016 में थी हमारी 20,000 और 2017 में थी हमारी 25,000, ठीक है। अब बताइए दोस्तों क्या होगा, 25, मनोज कुमार ने दिया है 25% की वृद्धि होगी। जी देखते हैं क्या होगा। जी बिल्कुल सही, जी इसका आंसर भी दोस्तों आप माइंड से दे सकते हैं, माइंड से दे सकते हैं इसका आंसर, कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। शालिनी सिंह 2016 लेट चल रहे हैं, गीता पांडे 25, अंशु शर्मा 4 दिया इसका आंसर, डी आंसर दिया है मल्टी ने, नवीन कुमार ने 25, जी बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए दोस्तों। अंशु शर्मा, वीवी शिवा, डी विनोद कुमार, श्रुति 25% दे रहे हैं। जी चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है इसका, देखिए हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है दोस्तों, 5,000 का आया है, ठीक है, और देखिए हम परसेंटेज निकालते थे उसके अंदर क्या था, जो डिफरेंस है बटे में इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 20,000 है, और गुना में 100 यहाँ पे करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 20 पंजे 100, 25 पंजे 25, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 25% आ जाएगा। देखिए कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान है जी। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया इसका जी। अच्छा अब सबसे पहले ये बताइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्त ये बताइए, अब मज़ा आ रहा है क्या कुछ? अब लग रहा है कुछ भाई आसान क्वेश्चन भी आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, बताइए। अब उम्मीद जगी है, कुछ उजाला हुआ है दिल में, कुछ उम्मीद जगी है, बताओ जी, बताइए अब कैसा लग रहा है? अब तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मुश्किल नहीं है अब तो, अब उम्मीद जगी है ना कि हाँ हम कर सकते हैं। और दोस्तों यार एक बात मेरी नोट करना, तुम तो प्लीज 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 एक बात जरूर नोट करना, एग्जाम के अंदर आपको डीआई के क्वेश्चन जरूर करके देखने हैं, एक बार जरूर करके देखने हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान आ जाते हैं। और हमारे माइंड में एक चीज बैठी हुई होती है कि यार मुश्किल क्वेश्चन आते हैं डीआई के, हम नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते, वो एक हवा बैठा हुआ होता है। तो उस हवे को निकालना और आप एक बार करके जरूर देखना, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है नहीं आ रहा आपको तो वो बात एक अलग है, फिर आप तुक्के लगा सकते हो, लेकिन एक बार जरूर करके देखना है। सर ये टफ है, ये लो भाई देख लो रे, कविता कह रही है कि ये टफ है भाई, क्या करें इनका बताइए, कविता कह रही है कि ये क्वेश्चन टफ है। हे भगवान, जिनकी मैथ अच्छी है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फ्री के नंबर है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्री के नंबर है जी, बिल्कुल सही, फ्री के नंबर जी। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का, वर्ष 2014 में उत्पादित ए टाइप वाहनों की संख्या वर्ष 2016 में उत्पादित सी टाइप वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत था? अब देखिए इसको अच्छे से समझिए क्या कह रहा है, वर्ष 2014 में ए टाइप, देखिए इसको मार्किंग कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए 2014 में ए टाइप, अरे यार हाँ ये रहा 2014 में ए टाइप, 2014 में ए टाइप क्या है ये आ गया ठीक है, और 2016 में सी टाइप, 2016 में सी टाइप ये आ गया। अब देखिए ये कह रहा है कि वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ए टाइप वाले सी टाइप से कितना प्रतिशत कम है, ज्यादा है, क्या है, ये बताइए जी। कविता टफ नहीं रफ कीजिए, हाँ जी। देखिए दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम के अंदर आते होंगे, इस लेवल के एग्जाम में, एग्जाम भी तो देखिए ना यार एग्जाम किस लेवल का है, और इस लेवल के एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आए और फिर भी आप ना कर पाए तो भाई आपको तोड़ना चाहिए, जी लगा के तोड़ना चाहिए, अच्छे से तोड़ना चाहिए तुम्हें, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है आपके पढ़ने का जी। चलिए जेन क्लब ने 4 का बी आंसर दिया है, मनोज कुमार ने 66.67% दिया है। सर मैथ नहीं आती मैडम जी, मेरी बहन जी अच्छे से कर लीजिए मैथ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। और देखिए अगर आपको जेआरएफ और नेट लेना है तो पड़ेगा, करना पड़ेगा जी। 4 का बी आंसर जी, बिल्कुल सही है दोस्तों, बी आंसर आएगा इसका, बिल्कुल सही है जी। इसका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर बी आएगा, इसका आंसर, एक मिनट रुकिए जी, बी आंसर है दोस्तों, 66.67% आएगा। 10,000 बटे में 15,000 गुना में 100 हमें करना है तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। वीवी शिवाजी 3 नहीं आएगा, बी आएगा इसका आंसर, 10,000 बटे में 15,000 और गुना में 100 करेंगे हम, बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आ जाएगा ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कितने वर्षों में ए टाइप वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पाद से कम था? अब देखिए कितने वर्षों में
ए टाइप वाहनों का उत्पाद। अब देखिए, अब इसको समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से समझिए। कितने वर्षों में ए टाइप वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से कम था। अब सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले हमें ए टाइप वाहनों का औसत निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें औसत निकालना है, मान के चलते हैं औसत आ जाता है 20,000। अब हमें देखना कि 20,000 से कम सेल कहाँ कहाँ पे हुई है। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर। जी ये लीजिए, अगर आपको स्क्रीन समझ में आ रही है तो। जी थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं हम इसको। जी ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे नीचे है और टेबल वहां पे ऊपर दी हुई है। ये बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये मैथ नहीं, नॉर्मल काउंटिंग है, हमें विदाउट पेपर पे ही कर रहे हैं। जी वेरी गुड सर मनोज कुमार जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैथ नहीं है ये, DI नहीं है ये, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चे वाले क्वेश्चन है ये, और इनको बगैर कॉपी पेन के हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जी आज फर्स्ट क्लास है, इसमें DI आया है। हा। कविता जी नहीं, आज आपकी फर्स्ट क्लास नहीं, आप पहले भी ले चुके हैं, मेरे को पता है। आप चीटिंग मत कीजिए, आप अपनी ईमानदारी से बताइए पहले आपने क्लास ली है, मैंने देखा है आपको। जी चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। कितने वर्षों में ए टाइप वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से कम है। सबसे पहले औसत निकालिए इसके अंदर। देखिए औसत बिल्कुल आसानी से इसका आप निकाल सकते हैं, हमने बताया था आपको। 15 जमा में 5 कीजिए, कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया, 20 10 30 आ गया, 30 और एक बार 10 कर लीजिए, ये तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 और फिर ये आ जाएगा 60 70 100 100 और फिर ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 200 और अब ये आ जाएगा 205 और फिर इससे आ जाएगा हमारा 205 से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आसानी से कर सकते दोस्तों इसको। अरे क्या बात है, क्या बात हुआ मनोज सर, कोई भी आंसर नहीं दे रहा इसका तो, क्या बात है भाई, क्या बात है, आंसर क्यों नहीं दे रहे इसका, आता नहीं है क्या? अगर नहीं आता तो बताइए मनोज सर, नवीन कुमार और विनोद मिश्रा, जैन क्लब और अनिल कुमार, गीता जी बताइए, सभी बताइए दोस्तों। नहीं आ रहा है क्या ये? बिल्कुल आसान है यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा, मार्किंग से समझने की कोशिश करें सर। अरे बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है, बताता हूँ मैं। जेन क्लब 5 का आंसर दीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ए टाइप वाहन है ना, ए टाइप वाहनों का औसत कीजिए, इन सभी का क्या कीजिए, औसत कीजिए। औसत करने के बाद, एवरेज निकालने के बाद हमें ये देखना है कि कितने सालों में एवरेज से कम बिक्री हुई है, ये देखना है हमें, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। पहले एवरेज कीजिए, एवरेज करने के बाद देखिए कितने सालों में एवरेज से कम बिक्री हुई है। जी सर सोल्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके। मनोज कुमार का आंसर आया है 4 बार। जी और बताइए दोस्तों, ओके वेरी गुड, अगर सोल्व कर रहे तो अच्छी बात है, और अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं तो अच्छी बात नहीं है। जी 2 का B, नवीन कुमार ने भी 4 आंसर दिया है। 4, जैन क्लब कुट जाओगे आप, कुट जाओगे, 4 का आंसर दे रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 का पूछ रहा हूँ मैं, ये देखिए विनोद मिश्रा बहुत लेट चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। शालिनी 5 का 5 बार दिया इन्होंने, नवीन कुमार 5 का B आएगा, सॉरी सर आप समझाइए। जी मैं तो समझाऊंगा,
जी 5 का बी। विनोद कुमार जी एवरेज कितना आया है इसका, एवरेज बताइए कितना आया एवरेज। बट आंसर में 4 बार। ओके 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 जी, एवरेज कितना है इनका, एवरेज बताइए एवरेज कितना है। रियली आज एक डे है, सो फर्स्ट डे है जी। मुझे तो नहीं लगता कविता जी आपका पहला दिन है। चलिए कोई बात नहीं, अगर पहला दिन है तो आप लेट हो गई, पहले आते तो बहुत अच्छा हो सकता था, काफी अच्छे से हमने सारी यूनिट करवाई है जी। चलिए एवरेज तो बताओ, एवरेज कितना है, एवरेज कोई नहीं बता रहा, ऐसे तुक्के लगा रहे हैं क्या। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आप, आपको पता होगा एवरेज कितनी आई है इसकी, आप ऐसे ही बोल रहे हैं फिर तो। नहीं सर, कल ही तो कोर्स दिया है। ओके 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 कविता जी, हो सकता है फिर वो कोई और कविता हो, कविता के नाम से कई स्टूडेंट हैं जी। चलिए कोई नहीं बता रहा, नाइट में। ओके कविता जी, ओके ओके कोई बात नहीं जी। अप्रोक्सीमेट 16,000 जी। ओके सर, ओके 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 ठीक है सर जी। एग्जैक्ट, देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ दोस्तों, डीआई के अंदर हमेशा 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 ध्यान रखना, अगर हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा तो हमें अप्रोक्सीमेट देखना होता है। अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था 2-3 दिन पहले, बोले कि सर ये तो बिल्कुल मैच तो नहीं कर रहा इसके अंदर, बिल्कुल मैच तो नहीं कर रहा क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसके अंदर। तो उनकी मेरे साथ बहस होगी इसी बात को लेके, मैं उनको कह रहा था भाई डीआई के अंदर हम अप्रोक्सीमेट देखते हैं भाई किसके आसपास है ये, तभी हम उसका आंसर देते हैं। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है, अगर डीआई के अंदर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा तो उसके पास में क्या लग रहा है उसका आंसर, वो हमें उसका आंसर राइट करना है जी। एवरेज 16,000 जी, बिल्कुल सही दोस्तों जी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपने देखे कि डीआई के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। और दोस्तों हमारे जो कल की मैराथन क्लास थी डीआई की नाइट में जो हमने डाली थी, उसके अंदर आपने देखे कि हमने लगभग सभी तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी, और बड़े बड़े जो डेटा होते हैं, डरावने जो डेटा होते हैं वो भी हमने करवाए हैं आपको, तो सभी तरह के क्वेश्चन हमने करवाए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें व्हाट्सएप पे बता सकता है। और दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से यही बात कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आप कोशिश ज़रूर करना डीआई के क्वेश्चन निकालने की, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर पता है हम घर आके क्या कहते हैं, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन तो मैं छोड़ता ही नहीं यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जो काश शब्द है ना, काश शब्द आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए कि काश मैंने ध्यान दिया होता। तो दोस्तों आप अच्छे से करना, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, उम्मीद करते हैं आप सभी का नेट और जेआरएफ अब की बार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है जी। और दोस्तों आगे से हमारी क्लास सुबह ही हुआ करेगी, सुबह डेली 7 बजे। हम देखिए एक जो लाइव मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट जो है वो हमारा लाइव होता है, और जो थ्योरी है वो हमारी रिकॉर्डेड होती है, ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है। कविता जी स्पेशल आपको बता रहा हूँ मैं, जो हमारी थ्योरी की क्लास होती है वो रिकॉर्डेड होती है, और टेस्ट होता है वो लाइव होता है ठीक है। तो दोनों क्लास आपको सुबह 7 बजे मिल जाया करेगी, यादगी से आप ध्यान रखना। हम तो पिछले वाली क्लास कैसे लगाएं सर जी, पीछे वाली क्लास आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, यहीं पे फोल्डर में चेक कीजिए, सभी क्लासें मिल जाएंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, आपको बता देंगे। बाय गुरुजी। ओके 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 कल मॉक टेस्ट होगा? नहीं जी, कल थ्योरी होगी सर, कल हमारा होगा हायर एजुकेशन होगा, थ्योरी होगी कल जी, यही समय ठीक है सर, कल हायर एजुकेशन होगी ना सर? हाँ जी कल हायर एजुकेशन होगी, थ्योरी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, चाय पी लीजिए अब।
जो भी करना है कर लीजिए।